हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमें एक काफ़ी स्पेशल कार के साथ हैं, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन जो होती है वो है ये गाड़ी। यहाँ पे देखो, स्कोडा जब लोग लेते हैं तो जनरली सेफ्टी को प्रेफर करने वाले लोग और यूरोपियन स्टाइलिंग और इंजीनियरिंग जिनको समझ में आती है उनके ये पसंद में आती है गाड़ियाँ। थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर होती हैं। ये कुशैक का ऑनिक्स वर्जन है, जिसका पहले दाम हुआ करता था 14,60,000 के आसपास, और उस टाइम पे स्कोडा उसमें अलॉयज नहीं देती थी। इस टाइप की दिखती थी गाड़ी, व्हील कैप के साथ आती थी। लेकिन अब फेस्टिव सीजन में स्कोडा ने क्या किया है, इसमें कुछ चेंजेस लाए हैं और ये गाड़ी अब एक बहुत ज़बरदस्त डील बन चुकी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे चेंज क्या है कि यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर विद DRL मिलने वाला है। यहाँ पे थोड़ी क्रोम ऐड किया जाएगा अगर आप चाहो। मतलब भाई मुझे तो ऐसे ये ब्लैक अच्छा लगता है, लेकिन अगर जो क्रोम के शौकीन है उनको ये फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे क्रोम लगा के देगी स्कोडा आपको। उसके बाद यहाँ पे अलॉयज मिल जाएंगे आपको कंपनी की तरफ से, जो एक अच्छा खासा एक्सपेंसिव एक्सेसरी होता नॉर्मली पहले। 16 इंच के जो अलॉयज हैं वो देखो, हायर मॉडल्स में जो आपको वो अलॉयज मिलते हैं सामने आप देख सकते हो, वो इसमें आपको अब लग के मिलेंगे। और दाम इसका आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, 1366। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने तक में ये गाड़ी आपको ऑन रोड आ जा रही है, जो कि एक 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी, एक स्कोडा, एक 200 mm से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अभी आप इसमें यहाँ पे साइड से देखोगे तो सबसे पहले आपको ऑनिक्स की बैजिंग मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया सी बैजिंग है। रूफ रेल वगैरह आपको मिलते हैं, दिखने में बढ़िया लगता है, फंक्शनल भी हैं ये। और सनरूफ इसमें आपको नहीं मिलता है, तो एक क्लीन लुक मिलता है। बाकी यहाँ पे ये फिनिशिंग आपको स्क्रैचलेस मटेरियल की मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीरियर से बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आपको नहीं है, लेकिन बेस मॉडल के ऊपर जो एक एडिशनल फीचर है उसमें आप ये क्लाइमेट कंट्रोल कह सकते हो, इंटीरियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बाकी फिर वही 1 लीटर का इंजन है और 6-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, इसके अंदर थोड़ी सी आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी मिल जाती है। आर्मरेस्ट की खासियत ये है कि ये एडजस्टेबल है, स्लाइडिंग है, तो ये काफ़ी सही रहता है, कन्वीनियंट रहता है ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। बाकी सेफ्टी फीचर जितने भी हैं, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब इसमें आपको मिल जाता है। एक चीज़ देख के अच्छी लगती है कि लाइट्स इसमें LED मिलती हैं। ये सब चीज़ों में कॉस्ट कटिंग नहीं किया है कंपनी ने। रियर पे आ जाते हैं तो रियर में देखो, सबसे पहले तो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। थोड़ा आपका पांव डीप है, बहुत ऊंचा फुटवेल नहीं है, थोड़ा आपको पांव नीचे हल्का डीप है इसका फुटवेल बेसिकली। बाकी फिर वहाँ नीचे पे बात करें तो आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं इस मॉडल में, रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्या नहीं है रियर सीट में, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, जो कुछ लोगों को एक काफ़ी बड़ी कमी लग सकती है। 3 लोग यहाँ आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि हम्प बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ज़रूर मिल जाते हैं, जो 3 लोग कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं। फिर रियर की बात करें तो देखो, रियर में आपको यहाँ पे खूब बड़ा सा एक स्पॉयलर मिल जाता है, स्टॉप लाइट मिल जाती है। एडिशनल क्या क्या मिलता है इसमें, आपको डिफॉगर मिल जाता है, रियर विंडशील्ड वाइपर विथ वॉशर मिल जाता है। स्कोडा की ब्रांडिंग जो सेंट्रली अलाइंड है बहुत बढ़िया लगती है, कुशाक की ब्रांडिंग उधर है, ऑनिक्स यहाँ अभी इस टेम्पररी नंबर प्लेट पर लिखा है, बाकी ऑनिक्स की ब्रांडिंग आपको वही साइड में मिलती है। कैमरा नहीं मिलता है इसमें, आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और नीचे हल्का सा जो ये ब्लैक एक्सेंट है वो बहुत बढ़िया लगता है। बूट स्पेस की अगर हम बात करें, मैनुअली ऑपरेटेड बूट है, हाइड्रोलिक असिस्टेंस है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बूट अच्छा खासा है। 385 लीटर्स का बूट स्पेस है और काफ़ी टॉल सा बूट स्पेस है। यहाँ पे एक चीज़ जो हो सकता है कुछ लोगों को उतनी पसंद ना आए, वो ये है कि गाड़ी जो है बूट स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बूट स्पेस इसका थोड़ा गहरा है, तो कोई भी सामान अगर इसमें आप भारी डालते हो तो पहले उसको आप थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, फिर बाहर निकालना पड़ेगा। थोड़ा लोडिंग बे इसका नीचे है, उससे अगर आप मैनेज कर सकते हो तो। दूसरा, यहाँ पे आपको एक मैं छोटी सी कमी बता दूँ, पार्सल ट्रे इस मॉडल में आपको नहीं मिलता है, तो वो एक्सेसरीज में आ जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज में मैं ये ज़रूर बोलूँगा, पार्सल ट्रे लेना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि पहले तो वो आपकी एयर कंडीशनिंग को बहुत इफेक्टिव बना देगा, और दूसरा आप उस पर सामान वगैरह रख पाओगे लॉन्ग जर्नी पे। और बूट स्पेस बढ़िया है इसका, यहाँ पे फर्स्ट एड किट वगैरह आपको मिल जाती है, हैलोजन एक यहाँ पे लैंप भी मिलता है, पहला हैलोजन लाइट मैंने देखा है, बाकी पूरी गाड़ी में LEDs का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको बढ़िया ये बैंड वगैरह भी मिल जाता है, हुक्स वगैरह भी मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल काफ़ी बनाया है,
काफ़ी सॉलिड फील करते हैं इसके सारे डोर्स, डोर थर्ड वगैरह काफ़ी बढ़िया है और अलॉय यही है। अभी इस गाड़ी में अलॉय नहीं लगाया गया है लेकिन आप देख सकते हो यही अलॉयज आपको मिलने वाले हैं। सो ओवरऑल इफ़ आई पर्सनली स्पीक, अगर आपको एक सेफ गाड़ी चाहिए और अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है उस केस में, वो जो सिनेरियो है उसमें ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट बैठ रही है, क्योंकि भाई 14 लाख के अंदर में आपको एक 4300 मिलीमीटर की गाड़ी मिल जा रही है, जिस प्राइस पे नेक्सॉन वगैरह आती हैं जो कि 4000 मिलीमीटर से भी कम की गाड़ियां हैं, उस प्राइस में आपको एक 4300 मिलीमीटर की एसयूवी मिल रही है प्रॉपर। 200 मिलीमीटर से ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, यूरोपियन इंजीनियरिंग है, 5 स्टार सेफ्टी है, बढ़िया गाड़ी है और 1 लीटर का इंजन है, माइलेज भी अच्छा दे देता है। माइलेज टेस्ट हम इसका बाद में करेंगे बट जहां तक मैंने देखा है ये आपको आराम से हाईवे पे 17-18 देता है और सिटी में भी 13-14 से नीचे नहीं जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन है इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क कन्वर्टर की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और DSG की तो खैर बात ही नहीं है। यहाँ पे इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको ये, और फेस्टिव सीजन में लोग नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, क्या आप ये लेना चाहोगे? और बेस्ट बात मैं आपको बता दूं कि भाई सेल्टॉस, क्रेटा, ये जो लोग लेते हैं इस सेगमेंट की गाड़ियां या बाकी कोई भी गाड़ियां लेते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है वेटिंग पीरियड, हाई राइडर वगैरह की तो इतनी लंबी है मैं क्या बताऊं। इसमें आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर आप अभी हाल में बुक कराते हो तो अगर आप जब भी गाड़ी लेना चाह रहे हो आपको टाइम से मिल जाएगी और आपका फेस्टिव सीजन एक्चुअली में फेस्टिव हो जाएगा। सो आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेशनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।